मैं हूँ सजना, आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदीनगर में विधायक डॉक्टर मंजू शिवा मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अबुपुर स्थित LSR अल्लाह अकेडमी में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित उत्तर प्रदेश शासन की योजना अंतर्गत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। डॉक्टर मंजू शिवा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है कि पढ़ने वाले छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट दिए जाएं। गाजियाबाद के साई बाबा क्षेत्र के पप्पू कॉलोनी वार्ड 10 में सरफिरे ने नाला बंद कर दिया, जिसमें गली नंबर 1 गली नंबर 2 पानी भरा। लोगों का हंगामा, नगर निगम की टीम मौके पर। लोगों की मांग है छावड़ा कॉलोनी के फ्लैट नंबर 18 में रहने वाले का 50,000 का चालान करे नगर निगम, लोगों को घर से निकलना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के शंकर कॉलोनी में लूट के इरादे से कल शोकेंद्र यादव सराफा व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुनार के पास से ज्वेलरी का बैग लूट कर फरार हो गए थे। जनता के सहयोग से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी एक बाइक सवार को रोकने के लिए कहा। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगा, पुलिस पर फायरिंग कर दी। कल रात को थाना लोनी क्षेत्र में चौकी DLF अंकुर विहार में घटना हुई थी, जिसमें एक सराफा का काम करने वाला सकेंद्र यादव, उसकी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ एक घटना की थी और लूट के उद्देश्य से उस पर चाकू से वार किए थे और उसको एक गोली भी लगी थी, जिसके बाद अधिक रक्त बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी अस्पताल में उपचार के दौरान। तो उस प्रकरण में जनता के सहयोग से एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा था संदिग्ध अवस्था में, उससे वो हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। इसी घटना में एक और व्यक्ति जो उसके साथ था, जिसका नाम रूपेश है, आज उसको चौकी विजय विहार क्षेत्र में आज उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसके दोनों पैरों में उसकी गोली लगी है और इन लोगों ने ये घटना लूट के उद्देश्य से कारित की थी। हालांकि ये लूट कर नहीं पाए थे और ये वहां से एक बदमाश भागने में सफल रहा था, जिसको आज थाना लोनी की टीम ने और SOG ग्रामीण ने पकड़ा है और मुठभेड़ के उपरांत, और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के चौकी शालीमार गार्डन क्षेत्र के पप्पू कॉलोनी सरकारी स्कूल के सामने दबंगों ने एक परिवार को जमकर पिटाई कर घायल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपी भाग गए। लोगों ने बताया कि दबंगों के पास छुरी थी। शिवम राम बाबू, आकाश नेहा, रोशनी और इन लोगों ने एक ही परिवार को जमकर पीटा, सर फाड़ दिया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।